बच्चों, अपन ने थर्ड ईयर सेकेंड पेपर में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है उसमें कई चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी है। 1945 के बाद की घटनाओं से लेकर और संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर अपन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों के बारे में जानकारी ले रहे थे, जो 6 प्रमुख अंग हैं। इसके साथ जो बहुत सारे सहायक इसके संगठन हैं, उनके योगदान और विश्व शांति और विकास में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या योगदान रहे हैं, एक संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण मूल्यांकन भी अपन ने किया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रश्न को अच्छे से तैयार करके आप लोग ये रखना, क्योंकि इसके अलग अलग अंगों के बारे में भी प्रश्न हो सकते हैं और एक संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण मूल्यांकन, सफलता असफलता, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम अपन इसी इकाई में आगे बढ़ते हुए एक नया टॉपिक लेंगे, वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की संपूर्ण रूपरेखा, संपूर्ण उसका एक पीछे का इतिहास और अब सार्थकता और प्रासंगिकता इसकी क्या है वर्तमान संदर्भ में, इसको भी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है गुटों के प्रति निरपेक्षता, यानी किसी एक पर्टिकुलर, एक विशेष गुट में शामिल न होना, सम्मिलित न होना, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विविध गुटों से अलग रहकर अपनी एक स्वतंत्र नीति अपनाना, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना और उनके गुटों के बीच में एक संतुलन भी स्थापित करना। यद्यपि इसके अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, जैसे कई बार इसको उदासीनता कहा जाता है, अलगाववाद कहा जाता है, अप्रतिबद्धता कहा जाता है, तटस्थवाद कहा जाता है, एक पक्षवाद कहा जाता है, असंविघ्नता कहा जाता है। ये सारे कई मीनिंग इसके दिए जाते हैं। जॉर्ज श्वार्जनबर्गर, तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विशेषज्ञ, उन्होंने ये 6, अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद और असंग्रता, ये इसके अर्थ को स्पष्ट करने में कहा है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे एमएस राजन, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ एमएस राजन और जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोग ये गुट निरपेक्षता को इस तरह के संकीर्ण अर्थों में नहीं देखते थे, क्योंकि ये जो जॉर्ज श्वार्जनबर्गर का विश्लेषण है वो कुल मिलाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को संकीर्णता के दायरे में रखता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक उदासीनता, असंविघ्नता या एक पक्षवाद या तटस्थता नहीं था। ये गुट निरपेक्षता शीत युद्ध कालीन विश्व में जो दो प्रमुख खेमे थे, जो दो प्रमुख गुट थे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, अमेरिकी गुट और सोवियत गुट, उन गुटों में शामिल नहीं होना, यानी उनकी आर्म्ड राइवलरी, यानी उनके सशस्त्र जो उनका एक संघर्ष चल रहा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तनाव दबाव का शस्त्रीकरण हो रहा था, जिसके कारण से उसमें शामिल न होना, बल्कि उनके दबाव तनाव से मुक्त होकर अपने विकास के लिए, अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौहार्द और तनाव मुक्त वातावरण कायम करने के लिए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना, उनमें शामिल होना, उन गुटों में शामिल होना, ये असल में एक सकारात्मक अर्थ है गुट निरपेक्षता का, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ये हम अलग रह गए, तटस्थ रह गए, हमें कोई मतलब नहीं है इन गुटों की राजनीति से, अंतरराष्ट्रीय संबंध में क्या हो रहा है, शीत युद्ध में क्या हो रहा है, ये इसका एक नकारात्मक अर्थ है जो कि सही नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन असल में एक सकारात्मक आंदोलन था, जिसका अर्थ ही था कि वो इन गुटों के प्रति निरपेक्ष भाव से अपनी नीति बनाए और इन गुटों के बीच में भी तनाव को कम करने का प्रयास किया, और कई अवसरों पर ऐसा किया भी गया है। तो कुल मिलाकर जो शीत युद्ध कालीन विश्व में तनाव की पराकाष्ठा थी, उसको कम करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी बहुत महती भूमिका रही है। अब देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का इतिहास क्या है। कुल मिलाकर गुट निरपेक्ष आंदोलन में कौन लोग, कौन देश शामिल थे, तो संक्षेप में समझे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित राष्ट्र थे, यानी कि लंबे समय के औपनिवेशिक साम्राज्यवादी गुलामी के से जो मुक्त हुए देश थे, भारत समेत अनेक देश, मूलतः है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कुछ हद तक कुछ यूरोप के देश, तो वो जो देश थे जो कि औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्त हुए थे, लंबे शोषण और गुलामी से मुक्त हुए थे,
उन्होंने शीत युद्ध कालीन जो गुटबंदी थी उसमें शामिल होने की बजाय अपने स्वतंत्र विदेश नीति के माध्यम से अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने का जो प्रयास किया वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना बाद में। और ये इसलिए ये तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाने लगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड है वो कुल मिलाकर विकासशील देशों के लिए उपयोग में लिया जाता है ये शब्द, विकासशील अविकसित देशों के लिए, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के विकासशील और अविकसित देशों के संदर्भ में ये नॉमनक्लेचर जो है वो कॉमन है। लेकिन जो फर्स्ट टू वर्ल्ड है कॉमनली रेफर्ड जो सामान्यतः इसका उसको शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं प्रथम विश्व, लेकिन ये मान ये समझना चाहिए कि जो पूंजीवादी गुट था अमेरिका का वो फर्स्ट वर्ल्ड प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व जो सोवियत का सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट था वो है। तो तृतीय विश्व यानी इन दोनों गुटों से अलग, तो तीसरा तृतीय विश्व जो था थर्ड वर्ल्ड वो ही कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। और वो जो कि नवोदित राष्ट्र थे दुनिया की राजनीति को इन्होंने यूरोप सेंट्रिक से बदला गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 1945 के बाद, वो भी शीत युद्ध के तनाव को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। सबसे पहले 1955 में जो है एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए, ये सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में। जो बांडुंग सम्मेलन था कहते हैं कि वो एक जेनेसिस था, एक बीजारोपण किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उस बांडुंग सम्मेलन में, क्योंकि तो पहली बार एशियाई और अफ्रीकी देश एक मंच पर आए, सामने सामने आए और ये तय किया कि इनके इंटरेस्ट कॉमन थे, इनके हित समान थे और इन समान हितों की पूर्ति के लिए जो हित थे वो गरीबी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, है ना, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण, ये सारे मुद्दे थे जो एक समान कॉमन थे, कॉमन इंटरेस्ट के विषय थे इनके लिए, नवोदित राष्ट्रों के लिए। और यदि ये गुटों में बट जाते, अमरीकी गुट्स में शामिल हो जाते या सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाते, तो ये बड़ी संभावना थी कि इनका पूरा ध्यान सशस्त्रीकरण और उधर चला जाता और इनके पास सारे संसाधन उसमें लगने के कारण संसाधन और ऊर्जा वो फिर विकास पर अपना ध्यान नहीं दे पाते, तो वो सारी की सारी इनकी संभावना नष्ट हो जाती। और इसलिए ये देश जो है एफ्रो एशियाई सम्मेलन जब हुआ बांडुंग में, ध्यान रहे कि उस समय विश्व के कुछ प्रमुख नेता जो थे जो पूरे विकासशील देश या यू कहें थर्ड वर्ल्ड या को एकजुट करने में लगे थे, उसमें तत्कालीन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री होस्नी मुबारक, यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो, है ना, ये सारे प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने तीसरी दुनिया विकासशील देशों को एकजुट करने का प्रयास किया था। और एफ्रो एशियाई सम्मेलन यानी बांडुंग सम्मेलन एक लैंडमार्क था, एक बहुत बड़ा कदम था इस दिशा में। इसके बाद ये प्रयास जारी रहे और फिर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला की औपचारिक शुरुआत हुई, जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी, क्योंकि अब हम सभी जानते हैं कि अब वर्ल्ड मैप पे यूगोस्लाविया नाम का देश है नहीं, है ना। यूगोस्लाविया का विघटन 1990 के दशक में बहुत तेजी से हुआ और बहुत सारे देश से अलग होकर बन गए, चाहे वो क्रोएशिया हो, बोस्निया हर्जेगोविना हो, या मेसिडोनिया हो, या फिर सर्बिया, मोंटेनिग्रो हो, तो अनेक भागों में। लेकिन उस समय जो यूगोस्लाविया था, यूरोप का एक बहुत प्रभावशाली देश था, शुरू में साम्यवादी झुकाव का था लेकिन बाद में साम्यवादी रूस से सोवियत संघ से मतभेद के बाद उसने अपनी स्वतंत्र नीति अपनानी शुरू कर दी। तो उसके नेता थे मार्शल टीटो। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में ये पहला सम्मेलन हुआ। और इससे पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए काहिरा में, मिस्र की राजधानी काहिरा में 21 राष्ट्रों की एक तैयारी बैठक हुई थी जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे।
और इस पे काफी विमर्श हुआ, काफी विचार विमर्श हुआ। इसके बाद से ये 5 मापदंड तैयार किए गए, और जिसके बाद 1961 में गुटनबर्ग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 25 सदस्यों के साथ हुई। जो पहले शिखर सम्मेलन में सदस्य थे उनकी संख्या 25 थी मात्र, है ना। और अभी हम देखते हैं कि लगभग 120 के आसपास, 120 सदस्य संख्या गुटनबर्ग आंदोलन की पहुंच गई है। तो इस तरह से गुटनबर्ग आंदोलन की शुरुआत, अर्थ और इसका शुरुआत हुई और ये आगे बढ़ा। अब अगले व्याख्यान में अपन देखेंगे गुटनबर्ग आंदोलन किस कारण से उत्पन्न हुआ। हालांकि कारणों की चर्चा मैंने अभी की कि किस तरह से विकसित देशों के चंगुल से मुक्त होकर विकासशील देश अपना विकास करना चाहते थे, गुटों से अलग कर अपने विकास पर ध्यान देना चाहते थे, सशस्त्रीकरण से पृथक रहकर अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहते थे। लेकिन हम एक-एक करके इसको आगे देखेंगे कि इसके कारण क्या रहे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक सांगठनिक ढांचा क्या है, फिर इसका मूल्यांकन करेंगे, इसके सफलता असफलता का भी, इसका और असफलताओं के कारण क्या है, उनकी सार्थकता प्रासंगिकता क्या है, इसको भी देखेंगे।